दोस्तों इस वक्त अभी हम बिलासपुर के कोनी में और अभी ऑटो लेके निकल पड़े बिलासपुर रेलवे स्टेशन की। दोस्तों आज हम काफी टाइम बाद ट्रेन का सफर है करने वाले, तो चले चलते हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन की। और दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड पे और यहाँ पे चाय है काफी अच्छा मिलता है। और दोस्तों अभी हम सफर करते करते पहुंच चुके हैं फाइनली बिलासपुर के रेलवे स्टेशन पे और सामने आपको बिलासपुर का रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। और चलिए चलते हैं मेन गेट की ओर, वहाँ पे टिकट कटवाते हैं। और दोस्तों ये रहा हमारा टिकट और देख सकते हैं यहाँ पे आपको टिकट काउंटर आपको देखने को मिलेगा। और चलिए अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। और दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं प्लेटफॉर्म पे और अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे पुराने बीते दिन थे कॉलेज के उनको भी हम याद कर रहे हैं। और दोस्तों कुछ देर बाद हमारा जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची और अंदर जाके देखा तो काफी ज्यादा भीड़ थी, हमें जो सफर है गेट के पास खड़े होकर करना पड़ा। तभी अचानक से हमारा जो ट्रेन है बिलासपुर से बाटा पारा के लिए चल पड़ा और तभी रास्ते में मैं अचानक से सामने से आती हुई ट्रेन ने दिखी जो कि काफी स्पीड से चल रही थी और काफी दिनों बाद गेट के पास खड़ा होकर सफर करने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। और जैसे तैसे हम सफर करते करते पहुंच चुके बाटा पारा। और दोस्तों ये रहा भाटापारा का रेलवे स्टेशन जो कि आपको खाली खाली आपको दिखाई देगा। और दोस्तों अभी हम भाटापारा पहुंच चुके हैं और उसके बाद भाटापारा से अभी हमको जाना पड़ेगा बलौदा बाजार। और दोस्तों अभी हम भाटापारा रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और ये थी बिलासपुर से भाटापारा तक ट्रेन का सफर। और आगे का जो सफर हमको कुछ दूर तक है पैदल चलना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हमको पैदल चलना है। और दोस्तों अभी हम पैदल चलते चलते पटपर चौक है पहुंचने वाले, रास्ते में हमने लिफ्ट मांगा बट किसी ने लिफ्ट नहीं दी इसलिए हम पैदल चले। और दोस्तों फाइनली मैं बलौदा बाजार जाने के लिए बस मिली। ये थी एक छोटी सी सफर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब